Assalamu alaikum. My dear friends, how are you? I will hope you all are fine. My dear friends, हम इंशाल्लाह chapter number 2 or 3 की exercise पे मैं काम कर रहा हूँ. इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसे दोनों एक्सरसाइज को शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा. ओके माई डियर फ्रेंड्स, आई विल सोन गिव यू एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 2 and 3. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 4, केमिस्ट्री 9, चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 30. व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? माई डियर फ्रेंड्स, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? माई डियर फ्रेंड, देखिए एक यूनिवर्सल रूल है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वॉन्ट टू बिकम स्टेबल. वर्ल्ड में हर चीज क्या चाहती है जी? स्टेबल होना चाहती है. माई डियर फ्रेंड्स, इट्स अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बिकम स्टेबल. ये यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज क्या चाहती है? स्टेबल होना चाहती है. आप लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस? दैट यू वॉन्ट टू बिकम स्टेबल. टीचर टीच कर रहे हैं, क्यों? दे वॉन्ट टू बिकम स्टेबल. बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, क्यों? ही वॉन्ट टू बिकम स्टेबल. माई डियर फ्रेंड्स, एटम कैसे स्टेबिलिटी अचीव करते हैं? एटम्स कैसे स्टेबिलिटी अचीव करते हैं? माई डियर फ्रेंड्स, एटम जो होते हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं कैसे जी? बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. माय डियर फ्रेंड, जो एटम होते हैं वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब अटेन कर लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं. वो टेंस, वो कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैसेस जैसे हो जाए. एटम स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं जी? एटम स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? एटम स्टेबिलिटी हासिल करते हैं बाय अटेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस. और नोबल गैसेस होते हैं जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जी, यहाँ तो होती है जी NS2, और या माय डियर फ्रेंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 8. माय डियर फ्रेंड्स, अगर इनके आउटर मोस्ट में 8 और 2, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे कहते हैं ये साइन ऑफ स्टेबिलिटी है जी. साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? ओके, एटम अटेनिंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल. अगर कोई एटम के वैलेंस शेल में फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, तो ये उसका साइन ऑफ स्टेबिलिटी होता है. माय डियर फ्रेंड्स, अब हम व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड के अंदर, पहले हम देखा यूनिवर्सल रूल क्या है, फिर हमने देखा कि एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, तो उसके बाद हम ये 2 डेफिनेशन करेंगे, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल की. व्हाट इज डुप्लेट रूल? द अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेना, किस तरीके से? 3 तरीके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के. आइदर बाय शेयरिंग, या तो शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, बाय लूजिंग, या अगर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भाई कितने हो जाएंगे जी? बाकी 2 हो जाएंगे. ये हम सिर्फ फर्स्ट शेल की बात करते हैं. बाय शेयरिंग, और अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, बाय
primarily by gaining. By gaining. Okay, my dear friends? Primarily by gaining. तो इलेक्ट्रॉन कैसे टू गुणे कर सकते हैं? तीन तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या इलेक्ट्रॉन लूज करके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। इन तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए माय डियर स्टूडेंट्स वो अपना डुप्लेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ये याद रखिएगा, डुप्लेट रूल जस्ट फर्स्ट शेल के लिए होता है, जस्ट और जस्ट फर्स्ट शेल के लिए। अटेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन इन आउटरमोस्ट शेल इधर बाय गेनिंग by losing or by sharing electrons is called Doppler rule. My dear friends, outermost shell में दो electron पूरे करना, electron को gain करके या lose करके या share करके, क्या कहलाता है जी? Doppler rule. My dear friends, Doppler rule और Octet rule में जो difference है वो just ये है कि attaining of 8 electron. My dear friends, अगर 8 इलेक्ट्रॉन के अटेनिंग हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द आउटरमोस्ट शेल इधर बाय गेनिंग बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो जस्ट सेंटेंस में क्या है, जस्ट देखिए, 2 की जगह पे अगर हम 8 कर देते हैं तो ऑक्टेट रूल बन जाता है, और अगर हम 8 की जगह 2 कर देते हैं तो डुप्लेट रूल बन जाता है। ठीक है जी, ये रेफरेंस आपने यहाँ से याद करनी है जी, फुल फ्लैग रेफरेंस मैंने लिखी है, यहीं से आप याद करेंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक के अंदर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम करने के लिए मैंने इनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लिया है, आप यहीं से याद कर लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे जी, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। आप इसको एज ए लॉन्ग करेंगे तो आप लिखेंगे नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, ये हेडिंग बना लेंगे। वैसे बोर्ड में एज ए शॉर्ट आता है व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, तो मैंने क्वेश्चन के अंदर भी लिखा है, यदि आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे होते तो आप यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीजन देखिए, फिर नोबल गैसेज होते हैं उनके आउटर मोस्ट या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनका आउटरमोस्ट शेल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कंप्लीटली फिल है। ठीक है जी, इसमें क्या होगा जी कि नोबल गैसेस का जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो क्या होता है जी, कंप्लीटली फिल, आउटरमोस्ट शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होगा तो एक और बार नोट कीजिए जी, दे हैव नो वैकेंट स्पेस, दे हैव नो वैकेंट स्पेस। एक बार खाली नहीं होगी क्या करने के लिए, टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लिहाजा इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस नहीं होगी, खाली जगह नहीं होगी। लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके नोबल गैसेस होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एबिलिटी नहीं होती इनके अंदर कि ये क्या कर सकें जी, दे हैव नो एबिलिटी, इनकी एबिलिटी नहीं होती, दे हैव नो चांस to lose, gain or share electrons. माई डियर, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यही वजह है कि नोबल गैसेस क्या होते हैं जी, नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। यही वजह है कि दे आर नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, वो किसी भी रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट और
डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उनके डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसी को कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसका पहले कंप्लीट है, लिहाजा किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एवरी एटम जो होता है, एवरी एटम ट्राई देयर बेस्ट, हर एटम ये कोशिश करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाए, नोबल गैसेस जैसे हो जाए। एवरी एटम ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। हर एटम चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाए जी, नोबल गैसेस जैसे हो जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं एटम जी, इसके लिए एटम दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। वो क्या करते हैं, आपस में मिलके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एटम्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाए जी, नोबल गैसेज हो जाए। फिर वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एटम जब अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस ऐसा कर लेते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या बन जाते हैं जी, वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव करने के तीन मेथड्स हैं, मैं अभी आपको तीनों मेथड बताता हूँ कि किन तीन तरीकों से वो अपने आप को स्टेबिलिटी के एच पे लेके आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एटम तीन तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उनके वैलेंस शेल में तीन या तीन से कम इलेक्ट्रॉन हो, थ्री और लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन हो, कहाँ पे, वैलेंस शेल में, ठीक है जी। अगर एटम के वैलेंस शेल में थ्री और लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करेगा, बाय गिविंग दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो अदर एटम किसी और एटम को दे देगा। अगर एटम के आउटरमोस्ट शेल में तीन या तीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो अपने उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, किसी दूसरे एटम को दे के खुद क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। सेकंड तरीका ये है, बाय गेनिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा फ्रॉम अदर एटम, दूसरे एटम से, कब वाला, अगर उसके आउटर मोस्ट में फाइव और मोर देन फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीन गेन कर लेगा किसी और एटम से, सिक्स होंगे तो किसी और से दो गेन कर लेगा, सेवन होंगे तो किसी और से एक गेन कर लेगा। अगर आउटर मोस्ट में तीन होंगे तो तीनों लूज कर देगा, दो होंगे तो दोनों लूज कर देगा, एक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, भी उसके प्रीवियस शेल जो होगा माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, बाकी आठ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है जी। और तीसरा तरीका ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। जैसे देखिए जी, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने एक और हाइड्रोजन बना दिया है, उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, माय डियर स्टूडेंट, शेयर कर लेंगे। तो ये देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, आपस में शेयर कर लिया, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन को आप डॉट और क्रॉस से लिखते हैं जी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। देखिए ये कौन करेगा, वन टू, ये कौन करेगा, वन टू, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लिया, उन्होंने शेयर कर लिया है, तो शेयरिंग करने से भी अपना ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम की नेचुरल टेंडेंसी है तो क्या करना चाहते हैं जो अपने आउटर मोस्ट में टू और एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। और माय डियर स्टूडेंट, इफ अगर किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में टू और एट इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इफ आइटम हैज टू और एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है जी, अनस्टेबल फील करता है।
अगर 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो वो स्टेबिलिटी महसूस करता है, और ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में क्या चाहता है, 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहता है। इफ 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशंस एब्सेंट, अगर नहीं होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि वो एटम क्या है, वो अनस्टेबल है। वो एटम क्या है जी, वो फील अनस्टेबिलिटी, वो एटम अनस्टेबिलिटी फील करेगा। माय डियर स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, लूज करता है। ऑन द अदर हैंड माय डियर फ्रेंड्स जो आपका ग्रुप नंबर 17 होता है, जो आपका 17th ग्रुप होता है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जी, लूज करेगा। फर्स्ट ग्रुप हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और 17 ग्रुप के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स उनका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक हम ये कंक्लूड करेंगे कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड का मास करेंगे, टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, या आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को नोबल गैसेस जैसा हासिल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं जी, फॉर्मा केमिकल बॉन्ड्स, एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं जी, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से लग गया होगा। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 59 के ऊपर है। सबसे पहले आप इसमें यूनिवर्सल रूल लिखेंगे जी, पेज नंबर 59 की फर्स्ट लाइन है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आप साइन ऑफ स्टेबिलिटी लिखेंगे जी, उसके अंदर फर्स्ट पैसेज की लाइन नंबर 2 and 3 आ जाएगी। फिर आप डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि नोबल गैसेस रिएक्टिव क्यों नहीं होती, उसके अंदर आप पूरा सेकंड पैरा लिखेंगे पेज नंबर 59 का। माय डियर स्टूडेंट्स उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस बताएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप बताएंगे हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, उसके मैंने आपको 3 मेथड बताए थे वो आप लिखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स एट द एंड आप लास्ट पैसेज जो कि पेज नंबर 59 के व्हाई डू एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड के अंदर है, माय डियर आप क्या करेंगे उसके अंदर आपसे ये बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज करते हैं, और सेकंड ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। माय डियर फ्रेंड्स टास्क फॉर टुडे में आज आप क्या करेंगे, आप सबसे बताएंगे व्हाट इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, साइन ऑफ स्टेबिलिटी बताएंगे, डिफाइन डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आप लिखेंगे जो मैंने आपको लेसन के अंदर दिखाई है जी लिख के। फिर आप एक पैसे लिखेंगे जी व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है जी, भी आपके टेक्स्ट बुक में पैसे मौजूद है। फिर लास्ट आप 3 पॉइंट बता देंगे हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये आपके बुक में 3 पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ है। विधायक आज का लेसन आपको समय लग गया होगा, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अस्सलामुअलैकुम।